नमस्कार दोस्तों, मैं कुबेर पाटीदार। मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। वीजा आर्ट एजुकेशन चैनल। मेरे इस वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे कि अपने 16 नंबर जो बनता है आयकर से रिलेटेड है, तो अपने कभी कभी कंप्लेन आती है कि अपना 16 नंबर खो गया है या नहीं मिला है। तो जिसमें पार्ट ए जो होता है वो ड्रेस पेपर से निकलता है और पार्ट बी जो होता है इसमें वो मैन्युअली निकलता है। तो जो मैन्युअली होता है उसको अपन आसानी से निकाल भी सकते हैं अगर अपने पास में खो जाता है, तो अपन पार्ट ए का ट्रेस पेपर भी निकल जाता है और पार्ट बी जो होता है अपना 16 नंबर का वो भी अपन किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो मेरे इस ट्यूटोरियल के माध्यम से आप देखेंगे जिसमें आपने बीओ के द्वारा या टैंक डिटेक्टर जो होता है अपना टैक्स डिटेक्टर होता है उसके साइन करवाने के बाद में अपन वेरिफिकेशन करवाते हैं उसका, और वह अपन को किस तरीके से प्राप्त किया जा सकता है, खो जाने पर दोबारा अपन किस तरीके से उसको प्राप्त कर सकते हैं, मेरे इस वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे। मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें मित्रों। हाँ तो दोस्तों, ये 16 नंबर के बारे में अपन देख रहे थे कि ये पूरा मैन्युअली कार्यक्रम है जो अपने आंकड़ों के हिसाब से भरा जाता है। जैसे इसमें अपन देखेंगे कि पार्ट ए जो होता है वो 10 नंबर जो अपना डिटेक्टर का 10 नंबर होता है उससे जनरेट होता है। यहाँ पर 10 नंबर जो डिटेक्टर होते हैं अपने, जैसे बीओ के अंतर्गत अपन कार्यरत हैं तो बीओ, और अगर डीडीओ के अंतर्गत कार्यरत हैं तो डीडीओ अपने 10 डिटेक्टर होते हैं। जिनकी 10 आईडी से अपना टैक्स होता है वो अपने सैलरी से कट के और अपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो पैन नंबर होता है उसमें जमा किया जाता है, तो 10 नंबर। उसके बाद में ये जो उसके आधार पर पार्ट ए जनरेट होता है जो ट्रेस पेपर जिसको बोला जाता है, जो सी रूल्स 31(1)(a) पार्ट है, ये सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 203 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 टैक्स डिडक्शन एंड सोर्स ऑन सैलरी। तो ये तो हो गया पार्ट है, और पार्ट बी जो होता है वो मैन्युअली भरा जाता है। हमेशा पार्ट बी को आपने देखा होगा, अपना कोई भी 16 नंबर आप देखें उसमें तो पार्ट बी जो होता है वो मैन्युअली भरा जाता है, जिसमें अपनी दिसंबर में जो अपन आयकर गणना जो भर कर देते हैं उस बेस पर अपना पार्ट बी एनेक्सर जनरेट होता है जो हमेशा मैन्युअली भरा जाता है। तो इसको खो जाने पर अपन किस तरीके से दूसरा जारी करवा सकते हैं, दूसरा बनवा सकते हैं, तो ये मैन्युअली भरने के बाद में अपन यहाँ पर अपने जो भी है प्रिंसिपल हैं या एज ए बीओ हैं तो उनके नाम और उनके फादर्स नेम, और यहाँ पर ये उनकी पोस्ट जो भी है, और यहाँ पर उनके ऑथराइज के सिग्नेचर करके इसको वेरीफाई किया जाता है। तो आइए अपन देखते हैं इसको कि किस तरीके से इसको जनरेट करेंगे अपन। उसके लिए अपन को सबसे पहले होम पेज में जाएंगे अपन, और होम पेज में जाने के बाद में यहाँ पर नेम ऑफ एम्प्लॉई, यहाँ पर अपना नाम भरेंगे। जैसे अपन किसी का जारी कर लेते हैं मैन्युअली, फॉर्म 16 को जारी करने के लिए अपन सबसे पहले होम पेज में जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर जिसके नाम से निकालना है जैसे अपना नाम यहाँ पर भरेंगे, जैसे अपन श्याम लाल के नाम से अपन इसको जारी करते हैं। उसके बाद में टीचर हैं वो, उनकी स्कूल का नाम, उनका पैन नंबर, यहाँ पर जैसे अपने पैन नंबर लिख दिया, यहाँ पर स्कूल का नाम जहाँ पर कार्यरत हैं, और यहाँ पर मिस्टर श्यामलाल योर बेसिक पे इन मार्च 2016। इन्वेस्टमेंट के कॉलम में अपन गृह ऋण मूल किस्त वो भी भर सकते हैं, ब्याज भी भर सकते हैं, और जीवन बीमा प्रीमियम जो वेतन से काटा गया है
वो अपन भरते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2500 रुपये और मासिक जीवन बीमा प्रीमियम जो अपने द्वारा सेल्फ जो डिडक्शन होता है, जैसे LIC की कटौती सैलरी से न होकर अपन सेल्फ जमा करवाते हैं तो वो बन मान लेते हैं इसको 25,000। फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस अगर आपका है तो यहाँ पर वो भी भर सकते हैं जिसकी प्रीमियम आप जमा करवाते हों। और ट्यूशन फीस यहाँ पर 2 बच्चों के लिए ट्यूशन फीस जो दर्ज की हुई है उसको अपन डाल देते हैं यहाँ पर। और उसके बाद में अपने यहाँ बैंक में 5 वर्षों के लिए या पोस्ट ऑफिस में जमा वर्ष जो आपकी डिपॉजिट आए है, जैसे FD हो, तो वो भी यहाँ पर आप शो कर सकते हैं, क्योंकि आपको इसमें सारी चीज़ सैलरी जो इन विच 12 मंथ की आप उठाते हैं उसकी डिटेल देनी है। तो इसमें आपका इन्वेस्टमेंट जो भी है वो आसानी से आप भर सकते हैं। भरने के बाद में आपके अगर मान लो हेल्थ इंश्योरेंस का बीमा हो तो आप ATD में यहाँ पर शो कर सकते हैं उसको। उसके बाद में यहाँ आपने अगर कोई धर्म दान किया हो मान लो, तो यहाँ ATG में उसको शो किया जा सकता है, जिसका आपको 50% रिबेट है इसमें, लेकिन वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। यहाँ पर ये सारी डिटेल फिलअप करने के बाद में यहाँ पर अपन 16 नंबर जो जनरेट करना है अपन को, तो यहाँ पर आ जाएंगे 16 नंबर फॉर्म तैयार करने के लिए। इन कॉलमों की अपन पूर्ति अपन इसमें करेंगे। यहाँ पर सबसे ऊपर बताया गया है DDO कोड, अपने जो भी है DDO ब्लॉक का है या अपने विद्यालय का है तो DDO कोड यहाँ पर फिल करेंगे। और डेजिग्नेशन यानी कि अपने डिडक्टर का जो है सारा, या BO है तो BO का यहाँ पर लिखना है, ब्लॉक एलिमेंट्री एजुकेशन BO, या प्रिंसिपल सर हैं तो प्रिंसिपल का यहाँ पर लिख देना है इनकी पोस्ट, और ऑफिस का नाम कौन सी स्कूल में है या कौन सी ऑफिस है आपकी, ऑफिस का एड्रेस, 10 नंबर, यहाँ पर 10 नंबर केवल डिडक्टर का 10 नंबर आएगा, या डिडक्टर मैंने पहले बताया कि डिडक्टर जो अपना होता है टैक्स अपने काटने वाले, तो डिडक्टर BO भी हो सकते हैं, स्कूल के हेडमास्टर भी हो सकते हैं, अदरवाइज प्रिंसिपल भी हो सकते हैं, और उनका 10 नंबर यहाँ पर शो किया जाएगा। उनका यहाँ पर नाम लिखा जाएगा, उनके फादर का नाम लिखा जाएगा यहाँ पर। फॉर एग्जांपल अपन यहाँ पर उनके फादर का नाम शो कर देते हैं, यहाँ पर उनके फादर का नाम लिखा जाएगा और उनका पैन नंबर यहाँ पर लिखा जाएगा, और प्लस यहाँ पर नेम लिखा जाएगा, प्लस का नाम लिखा जाएगा। आप क्लिक करेंगे फॉर्म 16 पर, तो 16 नंबर आपके सामने ये डिटेल भरी हुई यहाँ पर आपको मिल जाएगी। यहाँ पर पैन नंबर का जो पार्ट है जो है वो मैन्युअली जो भरा हुआ है वो ट्रेस पेपर का ये पार्ट आपके सामने यहाँ पर शो हो जाएगा। और यहाँ पर उनकी ग्रॉस इनकम जो अपन ने बताई थी उसमें भरी थी, वो सारा कैलकुलेशन ये GA 55 के अनुसार ये सारी चीज़ जो है वो यहाँ पर इस ग्रॉस इनकम में आपकी शो हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर लास्ट में ये पार्ट भी यहाँ से शुरू हो गया, डिटेल ऑफ सैलरी पेड एंड अनदर इनकम, अदर इनकम एंड टैक्स डिडक्टेड। तो इसके अंदर आपका टैक्स बन रहा है तो यहाँ पर नीचे बता देगा, यहाँ पर आप टैक्स जो कैलकुलेशन आई है उस पर क्लिक करके भी आप देख सकते हैं कि इनकी ग्रॉस इनकम आ गई है यहाँ पर 414,318, और उसके बाद में ATC का डिडक्शन हो गया 142,482, और यहाँ पर टैक्स जो है इनकम टैक्स पेबल यानी कि कोई टैक्स यहाँ पर शो इनका नहीं है, क्योंकि ये टैक्स में आ ही नहीं रहे, क्योंकि ATC का डिडक्शन हो गया यहाँ पर 142,000। यहाँ पर अपन 1.5 लाख तक कर सकते हैं, और 2.5 लाख अपन को स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट होने की वजह से टोटल हो गया 4 लाख की छूट, लेकिन यहाँ पर 414,000 के बावजूद भी यहाँ पर 87A के अंतर्गत अपन को
5000 तक की छूट है। वैसे टैक्स इनका बन रहा था 2184 रुपया बन रहा था, बट यहाँ पर 5000 की छूट होने की वजह से 86, पिछले ईयर ये 2000 की थी मात्र, इस बार ये 5000 की हो गई है तो, और नहीं बन रहा है तो एड्स डेट्स वेरीफाई। यहाँ पर जो आपके डिटेक्टर हैं वो यहाँ पर आपको ऑथेंटिकेशन वेरीफिकेशन साइन करने के बाद में इसका आप प्रिंट आउट आप आसानी से ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा मित्रों कि कैसे अपन इसको 16 नंबर को खो जाने पर अपन दूसरा विथ ट्रेस पेपर के साथ में दूसरा जारी कर सकते हैं। मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें। ओके।